भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक का पहला बैच सेना को सौंप दिया है, जिसके बाद अब भारतीय सेना के हजारों जवान स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ दिखेंगे। भारतीय सेना की ओर से महिंद्रा एंड महिंद्रा को हाल ही में 1850 स्कॉर्पियो क्लासिक का ऑर्डर दिया गया था और अब महिंद्रा ने फर्स्ट बैच की डिलीवरी भी कर दी है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर काफी दिलचस्प है वो ये कि सेना के लिए तैयार महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक सामान्य लोगों के लिए बेची जा रही स्कॉर्पियो से काफी अलग होगी। ये गाड़ी कैसे सेना के लिए अलग है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाई गई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में रेगुलर मॉडल की तरह 2.2 लीटर का डीजल इंजन ही देखने को मिलेगा। पिछली पीढ़ी की तुलना में ये 55 किलोग्राम हल्की है। महिंद्रा के मुताबिक ये इंजन 1000 आरपीएम पर कम से कम 230 एनएम का टॉर्क विकसित करेगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक 6 स्पीड यूनिट है जो केवल पिछले पहियों पर शक्ति प्रदान करता है। इंडियन आर्मी के लिए तैयार स्कॉर्पियो क्लासिक में 4 व्हील ड्राइव देखने को मिलेंगे और इसकी बैजिंग भी की गई है। वहीं कार निर्माता का कहना है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी 15% बढ़नी चाहिए। इसका ट्रांसमिशन केबल शिफ्ट का भी उपयोग करता है जिससे वाइब्रेशन कम करने में मदद मिलेगी। लुक की बात करें तो ये गाड़ी काफी धाकड़ दिखती है। इसकी आधी बॉडी पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग दिखती है और इसका फ्रंट ग्रिल और बैच पर क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। 4WD इंसिग्निया, 2 हुक अटैचमेंट और सिल्वर फिनिश अलॉय व्हील जैसी बाहरी खूबियां इस गाड़ी को बेहद सुंदर बनाती हैं। टॉप एंड वेरिएंट पर बेस्ड इंडियन आर्मी के लिए तैयार की जा रही स्पेशल महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की खूबियों की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सपोर्ट वाला 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फॉक्स लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, ऑटो डोर लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर समेत काफी सारे जरूरी फीचर्स हैं। इंडियन आर्मी के लिए खास तौर पर तैयार की गई स्कॉर्पियो क्लासिक ऑलिव ग्रीन कलर में दिखेगी। वैसे भारतीय सेना पहले से ही टाटा ज़ेनन, फोर्स गुरखा, मारुति सुजुकी जिप्सी और टाटा सफारी का उपयोग कर रही है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक की बात कुछ स्पेशल है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।